शेयर्ड डिल्यूजन और शेयर्ड साइकोसिस ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आज आपके सम्मुख हूँ। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक ही घर के दो बच्चे, मतलब एक लड़का, एक लड़की और उसकी माँ, तीनों को लेके जाना हमारे घर से। इसलिए एक आदमी हमारे पास में आया कि भाई तीनों हमारे घर में बीमार है और उनको आप हमारे घर से लेके जाओ। मतलब ऐसे ले जा सकते नहीं है, तो सच्ची उनको प्रॉब्लम है क्या, कोई मेडिको लीगल प्रॉब्लम आ सकता है? तो बोले हमने ऑलरेडी उनको ट्रीटमेंट दिया है, मैंने साइकेट्रिस्ट से, वो ट्रीटमेंट लेते नहीं है। पुलिस में इंफॉर्मेशन दी है, पुलिस एक दो बार घर पर आ चुकी है और पुलिस ने सब देखा हुआ है। पुलिस ने बोला इनको इलाज करने की जरूरत है, मगर ये तीनों भी बाहर जाते नहीं है। और तीनों को डिल्यूजन जो है, मतलब पक्के जो विचार है, डिल्यूजनल थॉट्स जो है वो पक्के है और वो शेयर्ड है। माँ को पहले चालू हो गया और माँ को ये चालू हो गया कि माँ जो उनकी थी, मतलब माँ एक लड़का एक लड़की, तो माँ को ये था कि भाई लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, लोग अपना पीछा कर रहे हैं, लोग अपने को मार डालेंगे, कोई मेरे खाने में जहर मिला रहा है, ऐसा उसको पक्का पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। कभी कभी वो बेईमान हो जाती थी, कभी गुस्से से मारपीट भी करती थी और बोलती थी कि नहीं, लोग जो है आजू बाजू वाले वो मेरे ऊपर नज़र रख रहे, मेरे बारे में टीवी में बातचीत चालू है, मेरे बारे में न्यूज़ अखबार में छप रही है, मतलब ऐसे उसको क्लासिकल सिम्टम्स थे। अच्छा, ये जब उसको डेवलप हुआ और वो चालू था, उसको कुछ दवा देने की कोशिश किया, दवा उसने लिया नहीं, बीमारी बढ़ती गई। हुआ क्या कि इनका इसका लड़का जो था, वो लड़का भी धीरे 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 वो रोज़ सुनते और लड़की भी थी, वो रोज़ सुनते सुनते उनका भी विश्वास बैठना चालू हो गया कि सच्ची ऐसा है। अब इसमें जेनेटिक भी काफ़ी रोल है, मगर जब वो वातावरण में रहते हैं और वो माँ के इतने इन्फ्लुएंस में जब है बच्चे, और माँ एक डोमिनेशन वाली थी, मतलब डोमिनेंट स्वभाव की थी, डोमिनेट करने वाली थी, तो फिर वो उसका असर है बच्चों के ऊपर हो गया, बच्चे भी माँ जैसे हो गए। और तीनों का एक ही है कि भाई लोग अपने खिलाफ है, लोग मारेंगे, वो अपने पिताजी के बच्चे अपने पिताजी के पीछे लगते हैं, अपन घर बदलेंगे, यहाँ अच्छे लोग नहीं है, अपने को कुछ ना कुछ कर डालेंगे। पुलिस में कंप्लेंट करते थे, पुलिस में जाके बोलते थे कि भाई हमको लोग पीछा कर रहे, नाम बोलते नहीं थे कि इसका पुलिस क्या एक्शन लेंगे, जब है नहीं कुछ। तो शेयर्ड डिल्यूजन में और शेयर्ड साइकोसिस जो था, उसके लिए फिर हमने तीनों को भी, उनके जो रिलेटिव थे उनको और बुलाया, बाकी रिलेटिव को बुलाया, और सबको रिलेटिव को बुला के उनको गाड़े में डाल के फिर हमारे हॉस्पिटल में लेके आए, तीनों को हमारे यहाँ एडमिट किया, ट्रीटमेंट चालू किया। अभी देखो इसमें होता क्या है कि वो तैयार नहीं है तो उनको इंजेक्टेबल देना पड़ता है, इंजेक्टेबल हेलोपिरिडॉल, इंजेक्टेबल लोरेजिपाम है, इंजेक्टेबल बाकी जो भी सेडेटिव्स है, एंटीसाइकोटिक्स है, ओलाइंजिपिन है इंजेक्टेबल, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। हमको शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ी तीनों को, और शॉक ट्रीटमेंट से उनके जो डिल्यूजन थे वो काफ़ी हद तक निकल गए, नॉर्मल हो गए। हर एक को आठ 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 शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ी हमको, और उसमें काफ़ी अच्छे हो गए। मेरा कहने का उद्देश्य है कि जब कोई विखादा व्यक्ति घर में ऐसा हो जाता है तो उसके इन्फ्लुएंस में बाकी भी लोग कुछ ना कुछ उनके ऊपर असर होना चालू हो जाता है, और उनके ज़्यादा ही यदि ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाकी लोगों को भी बीमारी शुरू होती है। अभी लोग क्या बोलते हैं, इसका जो है वो हेरिडिटी है। अब हेरिडिटी कितना रोल है हमको मालूम नहीं, कितना रोल अभी पूरा पक्का प्रूव नहीं हुआ है, मगर इतना पक्का है कि रोज़ वो सुन के बाकी भी घर के लोग जो है वो उनके प्रभाव में आते हैं, उनको वैसे ही लगना चालू हो जाता है। वो होते इरिटेबल घर के लोग, मतलब बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या वो भी शकीले बन जाते हैं। तो जितना जल्दी हम, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में ऐसा कुछ हो गया, उसको जितना जल्दी हम अच्छा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर असर होगा नहीं। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है कि उसको रखे दो साल से वो माँ बिना इलाज की है, और अभी घर में लड़का भी वैसा, लड़की भी वैसी हो, और अभी पिताजी अकेले, और सब ये तीनों भी पिताजी के खिलाफ कि वो आदमी कैसा बुरा है, और उसके खिलाफ जाके वो पुलिस थाने में तकरार देंगे इसके खिलाफ पिताजी के। फिर पुलिस भी इसको बोल रही है कि भाई आप ऐसे हो क्या। फिर धीरे पुलिस को मालूम पड़ा कि नहीं, एक्चुअली ये तीन लोग बीमार है और ये आदमी जो है वो अच्छा है। तो उन्होंने जब ट्रीटमेंट किया तो ये तीनों भी अच्छे हो गए। आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए ताकि लोग अपना, अपने पेशेंट में कोई अपने घर में पेशेंट होगा तो उसका इलाज करेंगे जल्दी, और वो जल्दी इलाज करें तो बाकी लोगों के ऊपर असर होगा नहीं। हम काफ़ी बार ऐसा देखते हैं
कि पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव रहते हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क आना चालू हो जाता है। एक तो चिड़चिड़े बन जाते हैं, शकीले बन जाते हैं, बराबर व्यवहार नहीं करते। फिर हमको लगता है अरे ऐसा क्यों करता है आदमी, क्योंकि ये जो पेशेंट बना हुआ है पक्का, वो रोज उनके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकते रहता है, उनको कुछ ना कुछ अब्यूज करते रहता है, उनको कुछ के उनके ऊपर शक लेते रहता है, उसका बराबर बिहेव रहता नहीं, तो ये भी वैसे बन जाते। फिर उनको भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको भी घृणा आ जाती है कि भाई ये कैसा आदमी है ये, और फिर इनका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपने अपने पेशेंट का इलाज जरूर जल्दी करेंगे और ये शेयर्ड साइकोसिस से बच पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।